हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। माय सेल्फ इज ज्योति कुमारी चौबे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू लास्ट 30 डे प्लान टू नेट एंड जेआरएफ, हाउ टू क्रैक नेट एंड जेआरएफ। यस फ्रेंड्स, मैंने आज तक आप लोगों को केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, सिलेबस बताया है, लेकिन जब ओनली 1 मंथ रह गया है हमारे एग्ज़ाम में, तो हम ये ज़रूरी है कि हम बात करें, हम कैसे प्लान करें, कैसे अपने दिमाग को प्लान करें और उसको हैंडल करें, और कैसे अपने स्टडीज़ को और हमारे आसपास के सराउंडिंग को मैनेज करें। ओके, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि बी काम एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपको बिल्कुल शांत रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत प्रेशर ले लेते हैं, बहुत हड़बड़ में हो जाते हैं, और हमें लगता है कि एट एनी कॉस्ट आई हैव टू क्रैक। तो क्या ऐसे हम सोचने से कर लेंगे? नहीं, आप जिस वे में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आता है। तो जब आप बिल्कुल शांत दिमाग से और अपने ऊपर विश्वास करके कि यस आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक इट, तो जब आपको खुद पे विश्वास होगा ना, मैंने तो ये पढ़ा था, नहीं मुझे तो आता है, मैंने तो प्रैक्टिस किया है, मैंने तो सिलेबस कवर किया है, मुझे तो इस सब्जेक्ट पे कमांड है, तो जब आप ऐसा सोचेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, शांत उतने लेवल तक होना है जिससे कि आपके एफर्ट्स बराबर लगते रहें, तो आप डेफिनेटली आधा जो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे। ये जो है ये 50% हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 50% का क्या करना है? नेक्स्ट 50% में क्या है, ये अगला 10% है, डोंट लिसन टू एनीवन, किसी और को मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो, ये आपका अगला 10% का काम करेगा। अगर आप अपने साथ हैं, आप अपने प्रिपरेशन को देख रहे हैं, अपने साथ हैं, आपको खुद को आप एनालाइज़ कर पा रहे हैं कि हाँ, मैंने पिछले 2-4 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, हम जो अपने बैचलर से पढ़ते आ रहे हैं, मास्टर से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब इतने सालों से मैंने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट को, तो आप अपने साथ रहिए ना, आप दूसरों को क्यों सुनेंगे, आप बिल्कुल दूसरे को मत सुनिए, आप अपने साथ रहिए। ये दोनों मिला के ये 10% हो गया, ठीक है। तो 60% आपका जो रिज़ल्ट है वो इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला क्या है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये आपका अगला 10% का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम जितना ये पढ़े हैं ना, जितना हमने पढ़ाई किया है, पेपर 1 पेपर 2, और जितना हमने समय लगाया है, वो सब मतलब बिल्कुल डैमेज हो जाता है अगर ये हम गड़बड़ कर देते हैं तो। अगर हम दूसरों की सुनने लगे, दूसरों से कंपेयर करने लगे, हम बहुत स्ट्रेस ले लें, अपने आप पे विश्वास ना रखें, तो 70% आपका ऐसे ही गया। तो ठीक है, तो ये है, ये अगला 10% है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया और उसके बाद मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरे से। देखिए क्या होता है, एक होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, या आप जिसको देख रहे हैं कहीं से, तो उनका किसी का प्रिपरेशन अभी जस्ट वो स्टार्ट किया, उनको देख के आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे, अरे इसका तो बिल्कुल तैयारी नहीं, मेरा तो अच्छा है। लेकिन नहीं, वहाँ भी आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम देना है, तो आपको नेशनल लेवल पे कम्पीट करना है। दूसरी बात, आप अपने साथ वालों को, जो आपके साथ पढ़ना स्टार्ट किया, उनको आप देखेंगे,
तो मे बी वो उसका स्ट्रैटजी अलग हो, उसकी कैपेसिटी अलग हो, उसका स्ट्रेंथ अलग हो, वीकनेस अलग हो, तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और तीसरे टाइप के ऐसे स्टूडेंट हैं जो सालों साल से कंसिस्टेंसी से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि कई बार लंबा मेहनत लगता है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई महीनों से, कई सालों से, दो दो साल से वो तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे और आप अभी दो महीने से स्टार्ट किए हैं, तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उससे भी नहीं कंपेयर करना है आपको। क्या खुद को खुद से कंपेयर करना है कि दो महीने पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं कितना सही, कितने पानी में था, कितना मेरा लेवल, कहाँ मैं लाइक करता था या करती थी, और आज इतने दिनों के बाद मैंने कितना नॉलेज गेन किया, मुझ में कितना कॉन्फिडेंस है, मैंने कितना सिलेबस कवर किया और मैंने कितना प्रैक्टिस किया। ओके, तो ये सारी बातें आपको खुद को खुद से कंपेयर करना है। ये तो आपका 70% जो प्रॉब्लम होता है ना, ये फ्रेंड इनसे होता है, ठीक है। तो ये 70% को डैमेज बिल्कुल नहीं होने देना है। इसको आपको पहले एकदम, ये आपकी मुट्ठी में और ये बिल्कुल आपके हाथ में है, ये होता है आप ही के हाथ में, और ये यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लास्ट टाइम पे। तो आपको इसको, दूसरे को इसका कमांड नहीं देना है, ये ओनली आपके हाथ में। उसके बाद कुछ मैं और पॉइंट्स बता रही हूँ। एक तो है कि डोंट चेंज योर रूटीन डेली। हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा रूटीन चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रेशर में आके रूटीन चेंज नहीं करना है आपको। अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप करेंगे चेंज, कभी घर में है, फैमिली में है, ऑफिस में है, फेस्टिवल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप फ्लेक्सिबल ज़रूर रहिए, लेकिन ये नहीं कि अरे मैं एकदम पहाड़ तोड़ दूं और उसके लिए मैं रूटीन चेंज करूं और 24 घंटे में 10 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे अपने आप को बिल्कुल ऐसे परेशान कर दूं, वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। फ्लेक्सिबल ज़रूर रहिए। अब ये नहीं कि घर में कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया तो नहीं, मैं तो फ्लेक्सिबल नहीं रहूँगा, अरे मेरी मैम ने बताया है रूटीन चेंज नहीं करना है, तो फिर मैं तो बिल्कुल घर में कोऑपरेट नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल रहिए, लेकिन आप अपना जो टाइम देते हैं पढ़ाई को, उसको वैसे ही कंसिस्टेंट वे में दीजिए। ऐसा नहीं, 30 दिन बहुत होते हैं। 30 दिन सुन के हम लोग दिन गिनते और कैलेंडर पे उसको कट करते करते ना अपना सारा चीज़ खो देते हैं। तो नहीं, हमें दिन, ये 30 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि इसमें आप ज़्यादा इफ़र्ट लगा सकते हैं। इफ़र्ट ज़्यादा क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत दिनों से पढ़ा है। आप जो फर्स्ट 30 डेज में कर रहे थे और लास्ट 30 डेज में करेंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। और थोड़ा प्रेशर बनाना, प्रेशर तो होता ही है, तो वो पॉजिटिव प्रेशर हो तो अच्छी बात है। तो उसको लेके आप डेली जितना पढ़ते थे उतना ही पढ़िए, बस उसी की इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एकदम रिजिड नहीं हो जाना है और बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं करना है, ओके। तो ये था हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। अब मैं कुछ सब्जेक्ट की बात कर लूँ, मैं ऑल ओवर हर सब्जेक्ट, सारे नेट एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ ये चीज़। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको चाहिए तो पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मैं कंप्यूटर साइंस के लिए बताऊंगी। और अगर उसमें भी आपको कोई सब्जेक्ट या किसी टॉपिक के लिए चाहिए कि कैसे उसको कवर करें, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको करके दिखाऊंगी उसको अच्छे से। मैं आपको बिल्कुल 100% अच्छे से करवा दूंगी। लेकिन अभी क्या है, मेरा प्लान हमेशा क्या होता है कि मैं A to Z पूरा सिलेबस कवर करवाऊँ। लेकिन अभी जब 30 डेज़ प्लान है, तो मैंने भी देखिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा, मैंने भी इसमें चेंज लाया, और मैंने भी सोचा कि ये लास्ट 30 डेज़ में
आप जहाँ से भी पढ़े हों, जितने भी प्रिपेयर हों, उसको मैं कैसे बूस्ट करा सकूँ, उसके लिए मुझे कुछ काम करना है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पेपर वन में, पेपर टू में जो इम्पॉर्टेंट है, वो इस 30 डेज़ में मैं आपको करवाऊँ, ताकि आप उसको और बूस्ट कर सकें, है ना। ऐसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट करा दिया है, और डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर साइंस में वो भी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और आगे मैं अभी इसको भी पैरेलली कराऊंगी। लेकिन ये बूस्टर मुझे लगा कि बिल्कुल ज़रूरी था, इसलिए मैं लेके आई। तो ये मैंने आपको जो 70% का था वो तो बता दिया, वो दूसरे के हाथ में नहीं है चाबी, चाबी आपके हाथ में है। अगला क्या है कि सब्जेक्ट को कैसे हम हैंडल करें। ये अब मैंने फिर आपको लगेगा कथा कहानी तो मैम दे दी, लेक्चर तो दे दी, लेकिन हम आखिर कवर कैसे करें। तो देखिए, आपको ना इक्वल वैल्यू देना है पेपर वन और पेपर टू दोनों को। क्यों? ये बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, इक्वल वैल्यू क्यों देना है ये मैं बताना चाहती हूँ। इसलिए देना है कि आपके सिलेबस को, आपके मार्क्स जो आप क्वालिफाई करेंगे, उसमें पेपर वन का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना आपके पेपर टू का है। बस यही है कि वो 50 क्वेश्चन होता है तो उसके 100 मार्क्स और इसके 200 मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है। लेकिन उसका भी एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिलाएगा, इसका भी एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। और दूसरी बात कि ये ओनली क्वालिफाइंग नहीं है, ये क्या है कि आपके स्कोर में ये ऐड होता है, पेपर वन भी पूरा। तो अभी जो है पेपर वन को आपको उतना ही वैल्यू देना है जितना आप पेपर टू को देते हैं। लेकिन अब वैल्यू देने का मतलब ये थोड़ी है कि हम बस पेपर वन ही पढ़ते जाए, नहीं। अब आपको देखना है कि इफ़ गुड इन पेपर वन, अगर आप पेपर वन में अच्छे हैं, आपके स्कोर अच्छे आते हैं पेपर वन में, तो आप क्या करेंगे कि इसको और पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। पॉलिश करने में आप इसको रिवीजन, ठीक है, रिवीजन और उसकी फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। उसको मतलब कि जो हम पहले 2 घंटे में, 2 महीने में पढ़े, उसको हम 1 घंटे में करेंगे, और उसको 10 मिनट में करेंगे, और उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। और अगर पेपर वन वीक है तो क्या करें। मान लीजिए स्ट्रांग है, तब तो हम उसको और पॉलिश किए जा रहे। लेकिन पेपर वन वीक है तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसका 15-20 ही क्वेश्चन सही होता है पेपर वन में, 50 में, तो फिर वो लोग क्या करें, 50 में से ओनली 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उनको फिर सोचना पड़ता है कि अरे पेपर वन तो मुझे ले डूबेगा। तो नहीं, पेपर वन अगर वीक है तो आप पूरे पेपर वन को मत देखिए, आप पेपर वन के यूनिट को देखिए, उसमें कितने यूनिट हैं, ओके। और कुछ ऐसा 5 यूनिट आप, एटलीस्ट 5 यूनिट ऐसा चेक करके निकालिए जो कि आपका उस पर कमांड हो, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। तो उन 5 यूनिट को ही कीजिए जिस पे आप कंफर्टेबल हैं और जिस पे आपका कमांड है। तो उन 5 यूनिट को आप करेंगे तो आपके 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो रहे हैं, और उसके बाद बाकी जो सारे 5 यूनिट बचे, उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। तो क्या होगा कि उसमें से भी एटलीस्ट 50% आप जान पाएंगे, और अगर वहाँ सही भी करते हैं तो एटलीस्ट 20-30% उसका हो जाएगा सही। तो लगभग 30 क्वेश्चन आपका अप्रोक्स सही हो जाएगा पेपर वन में, और वो 30% 60% मार्क्स देगा आपको उस पेपर के लिए, तो वो अपने आप में बहुत सही होता है। अगर 30-35 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, यानी कि 60-70% आप ला रहे हैं पेपर वन में, तो ये आपके स्कोर के लिए, आपके रिजल्ट के लिए अच्छा साइन है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है। अब सेम चीज़ आपको फॉलो करना है पेपर टू में भी।
पेपर टू में थोड़ा चेंज होगा। अगर आप पेपर टू में अच्छे तो मतलब मीडियम एवरेज तो डेफिनेटली होंगे, तभी आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर बहुत अच्छे हैं तो आप पेपर टू को बहुत पॉलिश कीजिए, उस पेपर टू को इतना पॉलिश कीजिए। पेपर वन के लिए 2 घंटा टाइम रखिए, 1 घंटा टाइम रखिए, लेकिन पेपर टू का मल्टीपल रिवीजन, जितने आपके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, जितना आपने PYQs लगाया है, सबको एकदम अच्छे से, और अपना टाइम बढ़ा दीजिए, उसको टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। टाइम मैनेजमेंट पे मैं अलग से एक और वीडियो बना दूँगी, और उसको फिर उसमें भी आपको मतलब वीक तो होना ही नहीं है पेपर टू में। और अगर आपके कुछ सब्जेक्ट, कुछ यूनिट ऐसे होंगे जिस पे आपका पूरा कमांड होगा, ओके, जिस पे आपको मतलब बिल्कुल आपका वो फेवरेट होगा, बोलते हैं ना मलाई मक्खन, उस तरह का होगा, उस यूनिट को, वैसे 5 यूनिट को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको जम के पॉलिश कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपका कमांड है, और जो आपको बिल्कुल मलाई मक्खन लगता है। तो पेपर टू में भी यही करना है, लेकिन उसमें भी आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर टू के लिए आपको लास्ट 5 ईयर और एटलीस्ट 4 ईयर, 17, 18, 19, 20, 17 से लेके 20 तक आप कर लीजिए, और अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 15 से 20 तक कर लीजिए, 5 साल का, अब 6 साल का। और अगर पेपर वन है तो पेपर वन में आप अब बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो आप बस 2018, 19, 20 ये 3 साल के कीजिए। आपको 18, 19, 20 में ही मतलब हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि उसके शिफ्ट बहुत ज़्यादा थे पेपर वन वाले, तो आपको और बैक जाने की ज़रूरत नहीं। उसका लेवल थोड़ा लो है, उस लेवल का अब NTA नहीं पूछता है क्वेश्चन, तो NTA के टाइम के, NTA जब से ले रहा है एग्ज़ाम, उस टाइम के आपको पेपर वन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, समझना है, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट उसमें रखे क्लियर। और उसके बाद क्या है, दोनों के लिए एक मैं कॉमन आपको बता रही हूँ, दोनों के लिए क्या करना है कि रिवाइज ओनली दोज ऑन विच यू आर कॉन्फिडेंट। अब 30 डेज आ गया, अब जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं उसको और अच्छे से मल्टीपल टाइम देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 3 बार कीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका JRF आएगा। और अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपकी प्रिपरेशन आधी थी, तो नेट तो आ ही जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। रिवीजन डेली करना है दोनों पेपर का, पेपर वन एंड पेपर टू बोथ, ओके फ्रेंड्स। तो ये मेरे तरफ से था आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो, और नेट क्लासेस CS एंड पेपर वन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मैं आपको इस 30 दिन में वो बूस्टर दूंगी जिससे कि आप डेफिनेटली अचीव करेंगे ही करेंगे। अगर आप मुझे सुनते हैं और पूरी तरह से मेरे प्लान को, मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकेंगे, बस अपने आप पे विश्वास रखना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इन 30 डेज में आपको कौन से टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए मुझसे, और वो टॉपिक एटलीस्ट 50 स्टूडेंट मतलब कहते हैं कि हाँ मुझे, मतलब उसका होना चाहिए कि हाँ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 स्टूडेंट बोले तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूँ। आपको एटलीस्ट, मेरे पास मेल भी आते रहते हैं और अलग से भी स्टूडेंट कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में क्या होगा कि कॉमनली सबको दिखेगा कि हाँ इतने स्टूडेंट ने ये मांगा है, क्या डिमांड हो रहा है किस टॉपिक का, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो बने रहिए नेट क्लासेस CS के साथ, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जो पढ़ेगा वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।